हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं एटीएम का पिन कैसे जनरेट किया जाता है। सबसे पहले एटीएम कार्ड डालेंगे इसके अंदर। ये चला गया कार्ड। उसके बाद इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा, योर ट्रांजेक्शन इज गेटिंग प्रोसेस, डू नॉट रिमूव योर कार्ड। कार्ड नहीं निकालना है। देखिए राइट साइड में सबसे नीचे आ जाना है, पिन जनरेशन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ डालना है खाता नंबर, पूरा डाल चुके हैं, आप कंफर्म करेंगे। उसके बाद डालेंगे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डालने के बाद जो कंफर्म करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ ऑप्शन आएगा, फिर कंफर्म पर क्लिक कर देंगे।